विश्व हिंदू परिषद समेत धर्मशाला कांगड़ा के कई स्थानीय संगठनों ने सड़कों पर उतरकर हिंदू एकता के नारे लगाते हुए कांगड़ा धर्मशाला में बढ़ रहे प्रवासियों पर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि इन दिनों जो हालात शिमला और मंडी में देखने को मिल रहे हैं, अगर आज नहीं जागे तो कल ऐसी स्थिति धर्मशाला में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए उनकी ओर से जिलाधीश कांगड़ा के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया ताकि प्रवासियों के मूल दस्तावेजों की जांच पड़ताल करके उनकी असलियत सामने आ सके। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा इकट्ठ जो है वो धर्मशाला के अंदर बुलाया गया है। उसका उद्देश्य है कि जो शिमला के अंदर और मंडी के अंदर घटना हुई है अवैध मस्जिद निर्माण की, उसके लिए सारे हिंदू समाज को जागृत किया जाए और ये बताया जाए कि यहाँ के धर्मशाला में भी डेमोग्राफी चेंज करने की एक मुहिम चल रही है। बहुत से लोग बाहर से आके बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के यहाँ रह रहे हैं। एक बंदा दुकान किराए पे लेता है या मकान किराए पे लेता है, कुछ दिनों बाद वहाँ 10 बंदे रहना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ से आते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कोई पता नहीं होता। तो हमारी एक तो हिंदू समाज से ये निवेदन है कि अपना मकान और दुकान किराए पे देने से पहले उन लोगों का आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड और आधार कार्ड सारा वेरीफाई करें। और प्रशासन से अनुरोध है कि अगर उनके पास कोई ऐसी शिकायत आती है कि सभी लोगों के पास जो हैं वो आधार कार्ड और आइडेंटिफिकेशन गलत हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ धर्मशाला के अंदर और बाकी प्रदेश के अंदर जो अवैध रूप से रह रहे लोग हैं, उनमें रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, उन सब की आइडेंटिफाई किया जाए ताकि प्रदेश का ये शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। ये हमारा विश्व हिंदू परिषद की ओर से और सारे देवभूमि जागरण संस्थान की ओर से सभी से अनुरोध है। इसीलिए आज हम इस विषय के ऊपर जिलाधीश महोदय के पास एक ज्ञापन जो है वो देने के लिए, माननीय राज्यपाल महोदय को, हिमाचल सरकार को देने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और उसी संदर्भ में अब हम ज्ञापन देने जा रहे हैं।